हेलो गाइस, आज मणिपुर में लास्ट डे है हम लोगों का। तो अर्ली मॉर्निंग मैं क्या किया, ब्रेकफास्ट करके ही निकल चुका हूँ। एक टेंपल था साइड में जो एक्सप्लोर करना बाकी था, श्री श्री गोविंदा जी टेंपल। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, फुल व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है। टेम्पल तो देख लिया, अभी जा रहा हूँ वॉर मेमोरियल देखने, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो जल्दी जल्दी निकल गया टेम्पल से, क्योंकि 50 मिनट्स लगता है यहाँ से जाने में। जो 150 रुपीज़ करके लेता है ये जो पैसेंजर कार चलता है वहाँ तक का, तो बाकी आगे देखते हैं। वार मेमोरियल आए थे यहाँ पर, तो पूरा खाली है। हम लोकल जो पैसेंजर कार है उसी में आ गए थे, तो उसका 150 रुपीज़ लगा था। तो फिर अभी आके पूरा, शायद यहाँ से जाने के लिए थोड़ा वॉक भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं दिखता है, पूरा खाली खाली एरिया है। टूरिस्ट में सिर्फ अकेला ही घूम रहा हूँ यहाँ पर। दोपहर 2 बज रहा है, बहुत धूप है बाहर, भूख लग चुका है। अभी जा रहा हूँ लंच करने, लंच करने के बाद जाएंगे कहीं दूसरा और जगह एक्सप्लोर करने। तब तक देखते हैं लंच में क्या मिलता है। पास में एक होटल था, वहीं मणिपुरी थाली ट्राई करने आए हैं, बट लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा सब्जी का क्या नाम है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों का लैंग्वेज। तो देखते ट्राई करके कैसा है। लंच करने के बाद बिना रेस्ट किए मैं फिर से निकल गया हूँ। पास में एक माउंटेन है जहाँ से पूरा इम्फाल सिटी दिखता है, तो पूरा 40 मिनट्स लगेगा ऊपर चढ़ने में।
30 मिनट्स वॉक करके ऊपर तक आए, अभी भी बाकी है। ये लास्ट पॉइंट है। एकदम टॉप में पहुंच गए। यहाँ से पूरा इम्फाल जो सिटी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मतलब फुल कवर हो रहा है, फुल सिटी। फिर यहाँ से और जो माउंटेन पीक है आप लोग देख सकते हैं, 1, 2, 3 यहाँ से पूरा स्टेयर्स दिया हुआ है। हम एक पीक से दूसरा पीक यहाँ से हम ट्रेक करके जा सकते हैं। रिएक्शन कैमरे में नहीं आया। फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर हम लोग का ब्लॉग खत्म नहीं होता है, हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अगरतला, वहाँ जाकर फिर ब्लॉग स्टार्ट होगा।